एटीएम कंपनी के सर्विस इंजीनियर से मोबाइल और नकदी लूट के 6 महीने पुराने मामले में गड़ीबाजना थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को मंगलवार दोपहर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी रामबज्र गुर्जर चक सामनगढ़ गांव रहने वाला है। गड़ीबाजना थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि बयाना के सुभाष चौक निवासी एटीएम सर्विस इंजीनियर हेमंत कुमार गुप्ता 25 जनवरी 2022 की शाम करीब 7 बजे एटीएम की सर्विस कर धौलपुर से अपनी बाइक से पुनः बयाना लौट रहे थे। इसी दौरान बयाना बसेड़ी स्टेट हाईवे पर थाना इलाके के लखुआ के अड्डे के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने हेमंत की बाइक को रास्ते में रुकवा लिया। इन बदमाशों ने हेमंत के साथ मारपीट करते हुए उससे एक मोबाइल, पर्स और बैग छीन लिया। पर्स में 450 रुपए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेट्रो कार्ड, आधार कार्ड रखे थे। वही बैग में एटीएम सर्विस करने के काम आने वाले कंपनी के उपकरण थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में अनुसंधान के बाद एक आरोपी रामब्रज गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। 25/1/2022 को लखवा के अड्डे के पास मोड़ पर एक मोटरसाइकिल से हेमंत कुमार महाजन पाड़ी से आ रहा था, जिसको दो अज्ञात बदमाश मिले, जिन्होंने मोटरसाइकिल आगे खड़ी कर उसका एक बैग, मोबाइल, उसमें सामान था, उसको छीन के ले गए। इतने को गिरफ्तार किया। मुलजिम रामराज सनोग अनंतलाल जाति गुर्जर निवासी चक सामतगढ़ थाना गरीबाज में, एक साथ ही अन्य और भी फरार है। तलाश जारी है। तलाश जारी है।